आप सभी का मेरे प्यारे दोस्तों फिर से आपके डेली करंट अफेयर्स के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। चलिए आज के करंट अफेयर्स का आगाज हम बुद्ध भगवान के सारनाथ के प्रवचन दिए थे बुद्ध भगवान ने, और उसी समय आपका जो आज अषाढ़ पूर्णिमा मनाया जाता है उसी दिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, उसी के साथ भगवान बुद्ध की इस अषाढ़ पूर्णिमा के शुभ अवसर को हम लोग सेलिब्रेट करते हुए आज अपना करंट अफेयर्स को आगे बढ़ाएंगे और भगवान बुद्ध के बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे जानेंगे, समझेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे आज की क्लास में। तो बुद्ध भगवान की अगर हम बात करेंगे तो बुद्ध भगवान आपके इनका जन्म आपका 400 जन्म आपका 563 ईसा पूर्व में, कब जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, कहाँ पे जन्म हुआ था तो याद रखना है आपको, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी में बुद्ध भगवान का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इन्होंने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था तो ये याद रखना है, प्रथम प्रवचन इन्होंने अपना दिया था कहाँ पे, प्रथम इन्होंने प्रवचन अपना सारनाथ के अंदर दिया था, प्रवचन अपना सारनाथ के अंदर दिया था। तो सारनाथ के अंदर जिस दिन इन्होंने प्रथम प्रवचन दिया था उसी दिन को हम अषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पूर्णिमा वही आज हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो अषाढ़ पूर्णिमा है ये अंतर्राष्ट्रीय धम्म चक्र प्रवर्तन जो है इस दिवस के नाम से भी बहुत पूरे विश्व में फेमस हो चुका है। चलिए आगे देखते हैं, इनके बाद हम बात करते हैं, इनकी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी ये सभी को पता है, इनका निधन हुआ था, इन्होंने अपने शरीर को त्यागा था। चलिए आगे हमारी न्यूज है कहां से, देवघर से, देवघर से हमारी न्यूज है। और देवघर आपका कहां पर पड़ता है तो झारखंड में पड़ता है, देवगढ़ कहाँ है तो झारखंड में देवगढ़ है। यहाँ से हमारी एक न्यूज़ है कि यहाँ पे देवगढ़ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बना हुआ है, क्या बना हुआ है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हुआ है और उसका शिलान्यास, उसका जो है उद्घाटन किसके द्वारा हो चुका है, 12 जुलाई 2022 को यानी कल ही नरेंद्र मोदी साहब के द्वारा इसका उद्घाटन हो चुका है। यहाँ गवर्नर कौन है तो रमेश बैस साहब जो है यहाँ के गवर्नर हैं। गवर्नर की अगर हम बात करेंगे झारखंड की तो रमेश बैस साहब यहाँ के गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन साहब हैं, साथ में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं ये सिविल एविएशन के क्या हैं, यूनियन मिनिस्टर। सिविल एविएशन किसके हाथों में है अभी तो याद रखना, ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब जो हैं आपके सिविल एविएशन के आपके क्या हो जाएंगे, यूनियन मिनिस्टर हो जाएंगे। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है देवगढ़ एयरपोर्ट का जो है क्या किया है, 12 जुलाई को शिलान्यास कर दिया हुआ है। चलिए अगली पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट देखते हैं, ग्रेस मिसिंग इन रेप्लिका ऑफ एम्बलम सेज अपोजिशन। तो जो मैंने कल आपको बताया था कि जो एम्बलम है, जो आपका भारतीय प्रतीक चिन्ह है, जो कि आपका क्या है लाइन, जो आपका अशोक स्तंभ से उठाया हुआ जो ऊपर का उसका स्क्रिप्चर है, वही हम लोगों ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह बना लिया है। तो इस राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में जो आपका हाल ही में अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर जो है लगाया गया था, कल हम लोगों ने इसमें जो है डिस्कस किया था इसके बारे में। तो जो प्रतीक चिन्ह यूज किया गया है आपकी किसके द्वारा, सरकार के द्वारा, उसमें आपकी जो अपोजिशन पार्टी है वो ये कह रही है इसमें जो है ग्रेस मिसिंग है, यानी ये वही प्रतीक एम्बलम, वही सेम एम्बलम नहीं है, जो एम्बलम है इसमें जो है चेंजेस हो गए हैं या इसमें ऐसे कहें कि गलतियां हो गई हैं। तो बिल्कुल अपोजिशन को हमेशा सरकार को याद दिलाना चाहिए कि आपकी यहां यहां पे गलती हुई है, लेकिन जब सरकार कोई बेहतरीन कदम उठाए और भारतीय देश की सुरक्षा की बात हो, भारत की अखंडता की बात हो, तो अपोजिशन को भी भारत सरकार का साथ देना चाहिए और आपातकाल स्थिति में भारत सरकार का साथ देना चाहिए, लेकिन हमेशा सरकार को उसके गलत किए हुए कामों के लिए उसे आईना भी दिखाते रहना चाहिए। यही एक अच्छे लोकतंत्र का क्या है, यही एक अच्छे लोकतंत्र का आपका जो है चिन्ह होते हैं, यही अच्छे लोकतंत्र के चिन्ह होते हैं। तो यहां पे देखते हैं, ग्रेस मिशिंग इन रेप्लिका ऑफ एम्बलम सेज अपोजिशन, अपोजिशन जो है उसने कहा है जो आपने रेप्लिका जो लिया है, जो आपने एम्बलम का उसका जो है रेप्लिका बनवा के बिल्डिंग के ऊपर लगवाया है वो उसमें बहुत सारी जो है गलतियां हैं, ग्रेट मिसिंग है। तो नेशनल एम्बलम की अगर हम बात करेंगे तो सारनाथ स्थित अशोक का स्तंभ ही जो है
हमारा क्या माना जाता है, नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है? नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक हमारा माना जाता है कौन? तो सारनाथ स्थित अशोक पिलर, अशोक सारनाथ स्थित अशोक पिलर का जो आपका स्तंभ है वो माना जाता है। और यहाँ पे यही हमारा क्या है, नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक है। नेशनल एम्बलम की बात करें तो हमारा नेशनल एम्बलम कब अपनाया गया था, तो 26 जनवरी कब भाई, 26 जनवरी 1950 को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था। ठीक, 1950 को हमारा राष्ट्रीय प्रतीक 26 जनवरी को अपनाया गया था। इस नेशनल एम्बलम यानी राष्ट्रीय प्रतीक के ऊपर जहाँ पे शेर बने हुए हैं उसी के जस्ट नीचे एक लाइन लिखी हुई है जिस जो है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा क्या होती है, विजय होती है, सत्य हमेशा जीतता है। ट्रम्प एलोन आपका सत्य जो हमेशा है जीतता है, ये किससे लिया गया है, तो याद रखना मुंडोकोपनिषद से लिया गया है। मुंडोकोपनिषद नामक जो ग्रंथ है, मुंडोकोपनिषद नामक जो एक उपनिषद है उसके उससे ये जो है सत्यमेव जयते नामक आपका एक स्टेटमेंट उठाया गया है। ये आपसे पूछा जाता है मुंडोकोपनिषद से, ये आपका मुंडोकोपनिषद से ये आपका जो है लिया गया है सारनाथ पिलर। ठीक है, नेशनल एम्बलम। चलिएगा आगे देखते हैं, इंडस्ट्रियल आउटपुट जंप्स 19.6, जो भारतीय जो द्वितीय क्षेत्र है यानी सेकेंडरी सेक्टर है उसमें कितना उछाल आया है, तो 19.6% उछाल आया है। तो अगर भारत में बात करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था के तीन मुख्य क्षेत्र होते हैं, तीन मुख्य सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर यानी सेकेंड आपका द्वितीयक क्षेत्र, और टर्सरी सेक्टर यानी आपका तृतीयक क्षेत्र। तो बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर जो होता है, जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में हमें चीज़ें वो देखने को मिलती हैं जो हमें सीधा हमारा नेचर या प्रकृति हमें देती है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे मिलती हैं जो हमें प्रकृति प्रोवाइड करती है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे सीधे के सीधे प्राकृतिक संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, जैसे हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, खाना मिलता है खेत से, जो एग्रीकल्चर से, कृषि से आता है जो भी, तो सारा का सारा कृषि किसमें आ जाता है आपका, सीधा से सीधा कहाँ से आ जाता है भाई, प्राइमरी सेक्टर से कृषि आ जाता है। फिशिंग यानी मत्स्य पालन, डेयरी यानी आपका डेयरी प्रोडक्ट्स जो एनिमल हस्बेंड्री होती है, और आपकी माइनिंग यानी जहाँ से हम खदान करते हैं, और ये सारे के सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं, प्राइमरी सेक्टर से। और प्राइमरी सेक्टर की चीज़ों को, प्राइमरी सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो आपका कच्चा माल है प्राइमरी सेक्टर का, उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में यानी उसको वस्तुओं में बदलना ही किसका काम है, सेकेंडरी सेक्टर का। किसका काम है? सेकेंडरी सेक्टर का काम है, यानी द्वितीयक क्षेत्र का काम है। क्या इस जो रॉ मटेरियल कच्चा माल आ रहा है, जैसे यहां से गेहूं यानी वीट आया, तो वीट को फ्लोर में बदलने के बाद उसे बिस्किट में बदलना ही किसका काम है, सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीयक क्षेत्र। तो द्वितीयक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, यहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करें तो 1973-1974 का जो हमारा डाटा दिया गया है हमारी एनसीईआरटी की क्लास 10th की बुक में, 1973 से 1974 से कंपेयर किया गया, 2013 से 2014 तक को, तो इसमें कंपैरिजन में क्या बताया गया है, जो आपका सेकेंडरी सेक्टर है इसमें 9 गुना उछाल आ चुकी है, 9 गुना ये बढ़ चुका है अभी तक। ठीक है, तो इतनी यहां पे बात यहां पे आपको क्लियर हो गई होगी। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है यानी पूरी इंडस्ट्री सेक्टर है, और टर्सरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्र क्या है आपका, टर्सरी सेक्टर जो है आपका, तृतीयक क्षेत्र जो है आपका, ये आपका सर्विस सेक्टर है, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो इसमें आती हैं, सर्विसेज सेक्टर। तो यहाँ पे जो है आपका द्वितीयक क्षेत्र में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, बढ़ोतरी हुई है। किसकी बढ़ोतरी हुई है, तो आपकी प्रोडक्शन की बढ़ोतरी हुई है 19.6। इसमें एक बात और यहाँ पे याद रखना, जब हम इन्फ्लेशन निकालते हैं यानी मुद्रा स्फीति निकालते हैं भारत में कितनी महंगाई है, तो हर क्षेत्र की
हर क्षेत्र के गुड्स में देखते हैं कि 2011 में एक बेस ईयर हमने बना रखा है, 2011 में उसका मूल्य कितना था और आज उसका मूल्य कितना है। जितना आज उसका मूल्य है 2011 के कंपैरिजन में, वही महंगाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये महंगाई दो तरीके से निकाली जाती है, एक IIP मॉडल है, एक CPI मॉडल है। ठीक है, तो ये है इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो दो तरह से महंगाई को निकाला जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और आपका इंडस्ट्रियल इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP मेथड से। तो मैं लिख देता हूं CPI में कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट इंडेक्स। ठीक है, एक ये मॉडल है महंगाई निकालने का, एक मॉडल है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहां पे क्या करते हैं हम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता है, इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, उस जो चीज है, जो वस्तु है, उसका सीधा वहीं का मूल्य ले लेते हैं जो इंडस्ट्री में बनी है, तब महंगाई निकालते हैं। और इसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या करते हैं, जब लोग खरीदते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से निकली कोई चीज तो वो 10 रुपए की बन के निकलती है, तो मार्केट में 15 रुपए की बिकती है, तो 15 रुपए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में लिया जाएगा, 10 रुपए उसका IIP में लिया जाएगा पैसा। तो यहां पे डिफरेंट है दोनों चीजें। इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल लेवल पे जब हम इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करेंगे तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूज करेंगे, और अगर कंज्यूमर के लिए यूज करेंगे तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इंडेक्स यानी CPI को यूज करेंगे। किसको निकालने के लिए, महंगाई की दर को निकालने के लिए, इन्फ्लेशन को निकालने के लिए। महंगाई की दर को निकालने के लिए हम बेस ईयर क्या लेते हैं, तो याद रखना है आपको बेस ईयर हम 2011 ले लेते हैं। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये निकालता कौन है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, ये जो है IIP को जो है क्या करता है, कैलकुलेट करता है, कैलकुलेशन करता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, क्रिएट मोर जॉब्स, रिवैम्प एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी दिक्कतें भारत देश में आती जा रही हैं समय समय पे। तो एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करेंगे तो भारत का जो प्राइमरी सेक्टर है, आपका प्राथमिक क्षेत्र है, उसमें लगभग भारत के 50% से अधिक लोग आपके जो है कार्य करते हैं। अगर हमें NCERT 10th की बुक को देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 50% से अधिक लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में वर्क करते हैं। लेकिन प्राइमरी सेक्टर का योगदान हमारी अर्थव्यवस्था में कितना है, 1/6, यानी एक भाग ये अपने अर्थव्यवस्था में योगदान देता है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर मिलके 5 भाग जो है योगदान देते हैं, यानी 5/6 योगदान प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर का है और 1/6 योगदान किसका है, प्राइमरी सेक्टर का है। हमारी GDP यानी अर्थव्यवस्था में GDP में इतना योगदान है। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर में जनता कितनी एम्प्लॉयड है, यानी कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, तो 50% से अधिक जनता प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन फिर भी इससे मिलने वाला प्रोडक्शन या इसका आउटपुट क्या है, बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर में 50% से कम जनता जो है क्या है, आपकी एम्प्लॉयड है, और यहाँ पे जो है इनका क्या, इनका जो आउटपुट है वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसको समझने के लिए एक आपको वर्ड समझना पड़ेगा, क्यों एक चीज और याद रखनी है, सेकेंडरी सेक्टर की जो ग्रोथ हुई है अभी तक वो 9 times ग्रोथ हो चुकी है। और अगर बात करेंगे इसकी, इसने जॉब कितनी यानी कितने एम्प्लॉयमेंट दिया है, तो अभी तक 3 गुना एम्प्लॉयमेंट यह है बढ़ा चुका है। टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे तो 14 गुना ग्रोथ हो चुकी है। ये हम डाटा 1973 से 74 के से लेके 2013-14 का डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, 1973-74 से 2013-14 का डाटा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो 14 गुना जो है टर्सरी सेक्टर बढ़ चुका है, और इसमें जो आपकी जॉब्स हैं खाली और खाली 5 गुना ही बढ़ी हैं अभी तक। ये NCERT का डाटा है जो आपसे पूछा एज इट इज जा सकता है। साथ में आपको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे याद रखना है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपका हो जाएगा अच्छन्न बेरोजगारी। क्या हो जाएगा, अच्छन्न बेरोजगारी, वे रोज
गारी, अच्छन्न बेरोजगारी ये हो जाएगा। अच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है कि अगर जो एक खेत होता है उसमें घर के सारे मेंबर्स जो है काम करने चले जाते हैं, वहां पे उस खेत में आवश्यकता खाली दो व्यक्तियों के काम करने की है, लेकिन उस खेत में पहुंच जाते हैं पांच लोग। जब पांच लोग पहुंचेंगे तो तीन लोग क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। तो इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को क्या बोलते हैं, गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी अच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, तो अच्छन्न बेरोजगारी से प्राथमिक क्षेत्र जूझ रहा है भारत का, जो कि आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि, मुख्य रूप से अच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है हमें कृषि के अंदर। तो आई थिंक इतनी बात यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो न्यू पार्टिकल्स हैज बीन डिस्कवर्ड बाय सर्न, नेम्ड एज, सर्न जो है एक आपकी संस्था है, यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च। ये एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसर्च करती रहती है पार्टिकल्स पे, यानी केमिस्ट्री के पार्टिकल्स पे या फिजिक्स के या अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल्स पे रिसर्च करती है। तो इसने जो है पार्टिकल्स पे रिसर्च की है और इन्होंने नए पार्टिकल्स जो है पाए हैं, यानी सब एटॉमिक, एटम जो होता है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने अभी हमने देखे थे, तो एक एटम होता है उसमें आपके तीन तरह के पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। एक देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉन, एक मिलता है आपको देखने को प्रोटॉन, एक मिलता है आपको देखने को न्यूट्रॉन। तो इन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि एटम के अंदर वाले ये पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इनसे भी छोटा पार्टिकल आपके सर ने जो है डिस्कवर कर रखा है, और उसका नाम क्या दिया है इन्होंने, तो पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क दोनों नाम दिए हैं। तो ए एंड बी बोथ आंसर हो जाएगा। साथ में इन पार्टिकल्स को एग्जोटिक पार्टिकल्स भी इन्होंने कहा है, लेकिन अगर पूछा जाए इनका नाम क्या दिया है, तो पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क। और क्वार्क की यहां पर जब भी हम बात करते हैं, क्वार्क एक क्या है आपका, बहुत छोटा पार्टिकल का नाम ही क्वार्क, यानी सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनसे छोटे पार्टिकल्स को भी क्वार्क कहा गया है सर्न के द्वारा, यानी यूरोपियन काउंसिल ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के द्वारा। समझ गए, इतनी बात यहां पे आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सर्न की बात करेंगे तो ये आपके जेनेवा स्विट्जरलैंड में इन्होंने एक आपकी बनाई है, क्या एक आपकी लेबोरेटरी बनाई है, जैसे लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर इन्होंने जेनेवा स्विट्जरलैंड कहां का शहर है, तो याद रखना है स्विट्जरलैंड, जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड का शहर है। आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है जेनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी यानी कैपिटल क्या है, यू हैव टू कमेंट दैट ऑन कैपिटल क्या है। ठीक है, ये आपको बतानी है कि स्विट्जरलैंड की जो है राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है। जेनेवा शहर में इन्होंने अपनी लेबोरेटरी स्थापित की है, जिसे बोला गया है लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर। उसके अंदर इन्होंने क्या किया है, प्रैक्टिकल किया है, और ये दोनों पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क नामक सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की है। तो इतना याद रखना है आपको यहां से। तो अगर पूछा जाए कि सर्न के अभी हेड कौन है, तो फेबियोला जियोनोटी कौन है, सर्न के अभी हेड कौन है, तो फेबियोला जियोनोटी जो हैं क्या हो जाएंगे, जो है आपके सर्न के प्रमुख हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे। इतनी बात यहाँ पे याद रखनी है। एक बात और याद रखनी है कि सर्न की स्थापना कब हुई, तो 1954 में, 1954 में। ठीक है, तो न्यू पार्टिकल्स जो है सर्न ने जो है अभी आपके क्या किए हैं, अभी आपके जो है डिस्कवर किए हैं पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। DSUE joins hands with whom to help students to find jobs। DSEU जो है आपकी, इसने किसके साथ हाथ मिलाया है, जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उन्हें जॉब दिलाने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया, यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है। सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ के साथ क्या मिलाया है, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। इसने किसने, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योर
शिप यूनिवर्सिटी ने किसके साथ हाथ मिलाया है, तो आपका इसने यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्या मिलनी चाहिए, जॉब मिलनी चाहिए, उसके लिए इन्होंने हाथ मिला के और क्या बढ़ाए हैं, आगे कदम बढ़ाए हैं कि लोगों को क्या दिलाएंगे, रोजगार, यानी आपके जो स्टूडेंट हैं उन्हें रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये जो प्रोजेक्ट है इन दोनों का, DSEU और यूनिसेफ का, ये प्रोजेक्ट 20 जुलाई 2022 से एज आ पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च होगा। कैसे लॉन्च होगा? एज आ पायलट प्रोजेक्ट जो है ये लॉन्च होगा। कहां पे लॉन्च होगा? तो नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में ये लॉन्च होगा आपका 20 जुलाई 2022 को। DSEU दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी, एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी और यूनिसेफ की सहभागिता से ये जो है आपका सिस्टम जो है बनाया जा रहा है कि स्टूडेंट को क्या जॉब दिलाने में मदद की जाए, क्योंकि भारत में बेरोजगारी समय के साथ बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली में आपके LG कौन हो जाएंगे? तो विनय कुमार सक्सेना लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दिल्ली के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? तो विनय कुमार सक्सेना जो है क्या हो जाएंगे, आपके दिल्ली के LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल हो जाएंगे। इतनी बात यहां पे आपको याद रखनी है। साथ में यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की बात अगर हम करें तो इसमें याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष का मुख्यालय कहां पे है, तो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहां पे स्थित है? न्यूयॉर्क में आपका ये स्थित है। अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई, तो 1946 में। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम यूनिसेफ हुआ करता था, अब इसमें से इंटरनेशनल शब्द और इमरजेंसी शब्द हटा दिया गया है। यहां पे EU की बात करें, यूरोपियन यूनियन, तो इसका मुख्यालय आपको ब्राजील्स में मिल जाएगा, ब्राजील्स बेल्जियम के अंदर मिल जाएगा। साथ में अगर EU की बात की जाए तो इसमें कितने अभी सदस्य देश हैं, ये आपसे प्रश्न बन सकता है। 27 सदस्य देश हैं, क्योंकि इससे ब्रिटेन अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यानी कुछ साल पहले इसमें से निकला है, उसे ब्रेग्जिट बोला गया उसके इस EU से बाहर निकलने को, ठीक है। साथ में आपसे अगर पूछा जाए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन है इस समय, तो भूपेंद्र यादव साहब जो है आपके मंत्री हो जाएंगे। किसके? श्रम एवं और रोजगार मंत्रालय के मंत्री। चलिए आगे देखिए, आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और चलते हैं आगे। तो हाउ मेनी मेडल्स डू इंडिया बैग्स इन एशियन अंडर 20 एंड अंडर 15 रेसलिंग चैंपियनशिप? तो अंडर 20 और अंडर 18, एशियन अंडर 20 अंडर 15 रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें भारतीयों ने 22 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? तो 22 पदक जीते हैं। गोल्ड कितने जीते हैं? तो गोल्ड जीते हैं आपके 4। सिल्वर जीते हैं कितने? सिल्वर जीते हैं कितने? 9। ब्रांज जीते हैं कितने? तो याद रखना, ब्रांज भी जो है 9 जीते गए हैं। इसमें गोल्ड में 3 गोल्ड जो है बूमिन ने जीते हैं, 3 गोल्ड किसने जीते हैं? बूमिन ने। और 1 किसने जीता है? मैन ने, यानी एक जो है पुरुष और 3 बूमिन ने जो है गोल्ड जीता है यहां पे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो आपकी खलीफा स्पोर्ट्स सिटी अरीना, ये जो आपकी प्रतियोगिता थी कहां पे हुई है? खलीफा स्पोर्ट्स सिटी अरीना में इसका जो है क्या हुआ है, आयोजन हुआ है। खलीफा स्पोर्ट्स सिटी अरीना में इसका क्या हुआ है? आपका आयोजन हुआ है। और इसमें जो ये आपका जो अरीना है ये कहां है आपका, तो ये बहराइन की राजधानी मनामा, बहराइन की राजधानी मनामा में स्थित है। कहां की राजधानी? बहराइन की राजधानी मनामा में ये आपका क्या है, स्थित है। नाम क्या है? खलीफा स्पोर्ट्स सिटी अरीना इस स्टेडियम का। साथ में याद रखना है इसमें क्या हुआ है, तो एशियन अंडर 19 अंडर 15 रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, उसमें भारतीय ने 4 गोल्ड 9 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जो है क्या किए हैं, ये हासिल किए हैं। तो गोल्ड मेडल का अगर नाम पूछा जाए तो आरजू अंतरिम और प्रियंका जो है आपकी, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है हासिल किया है। साथ में एक इसमें पुरुष है जिसका नाम है सुजीत, क्या है? सुजीत, ठीक। तो इतना यहां पे याद रख लेना है, इससे ज्यादा
कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है, इतने इतने में आपका काम हो जाना है। चलिएगा, MOU इज साइंड टू स्केल अप द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इन साउथ एशियन रीजन बिटवीन DA and FW, यानी DA and FW और किसमें आपका एक समझौता हुआ है दक्षिण एशिया क्षेत्र में DA and FW और किसके बीच खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मौजूदा साझेदारी को बढ़ाने के लिए एक समझौता हस्ताक्षर पर क्या समझौता ज्ञापन पर क्या किए गए हैं हस्ताक्षर किए गए हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के साथ क्या मिलाया है हाथ मिलाया है DA and FW ने DA and FW डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा ये समझौता किया गया है कि एशिया में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है और खाना अधिक बनाना है, ऐसे समझ लो हिंदी में। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर DAFW द्वारा किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पे किए गए हैं। यहां पे ICAR की बात करें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बात करें, तो इसका आपको मुख्यालय देखने को कहां मिल जाता है, दिल्ली में इसका मुख्यालय देखने को आपको मिल जाता है। साथ में इसकी स्थापना कब हुई थी तो याद रखना है इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। ICAR की 16 जुलाई 1929 में क्या हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। साथ में एक बात और याद रखनी है, ICAR का चावल का अनुसंधान, चावल रिसर्च का अनुसंधान कहां पे पाया जाता है तो कटक के अंदर पाया जाता है, कटक के अंदर उड़ीसा में चावल अनुसंधान पाया जाता है ICAR का, यानी भारत का, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। न्यू कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी इन पंचकुला वाज इनॉग्रेटेड बाय, पंचकुला में NIFT नया NIFT बनाया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बनाया गया है। पंचकुला आपका हरियाणा का एक स्थान है, हरियाणा में पंचकुला हमें देखने को मिलता है, तो इसका इनॉग्रेशन किसने किया है तो पीयूष गोयल साहब ने क्या किया है, इसका इनॉग्रेशन किया है। और पीयूष गोयल साहब आपके क्या है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपके यूनियन मिनिस्टर है, किसके यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के क्या हैं आपके यूनियन मिनिस्टर हैं। इसमें एक चीज और आपको यहां पे देखनी है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, यहां पे एक चीज और देखनी है, इन्होंने 5 F's बताए हैं यहां पे, जब इन्होंने संबोधित किया वहां की जनता को तो 5 F का यहां पे चर्चा की है, पहले फार्म से, फाइबर से, फैब्रिक से, फैशन से, फार्म, पहले तो फार्म में जाओगे, फिर फार्म से क्या बनाओगे, फाइबर बनाओगे, फाइबर मिलेगा, फाइबर से फैब्रिक तैयार करोगे, फैब्रिक तैयार करोगे, उससे फैशनेबल कपड़े बनाओगे, फैशनेबल कपड़ों को क्या करना है आपको विदेशों में एक्सपोर्ट करना है, फॉरेन एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। तो 5 F's बताए हैं पीयूष गोयल साहब ने, हो सकता है आपसे ये जो है इसका जो है आपका पूछ लिया जाए कि फार्म फाइबर फैब्रिक फैशन या फॉरेन एक्सपोर्ट, ये किस तरह से आपने बताया गया है, किसके द्वारा बताया गया है, पीयूष गोयल साहब के द्वारा बताया गया है। एक नया जो है इंस्टीट्यूट खोला गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, कहां पे, पंचकुला में खोला गया है, अगर हरियाणा की बात करें, पंचकुला की बात करेंगे तो हरियाणा की बात करेंगे, हरियाणा के अगर चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे तो आपके कौन हो जाते हैं, मनोहर लाल खट्टर जो है आपके चीफ मिनिस्टर हो जाते हैं, और गवर्नर की बात करेंगे तो बंदारू दत्तात्रेय यहां के गवर्नर हो जाते हैं। चलिए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन था वो आज यहीं पे खत्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे इस सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू गाइस।